नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे नॉर्मलाइजिंग, ये जिसे कहते हैं निर्मलीकरण। निर्मलीकरण एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैक्सिमम आपके एग्जाम में और आपके किसी भी टेक्निकल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे निर्मलीकरण के बारे में। इस टॉपिक को सिर्फ आपको क्या करना है, सुनना है। सुनने मात्र से यह टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि निर्मलीकरण एक ऊष्मीय उपचार प्रक्रिया है। मतलब यह उपचार हम किस पर करते हैं, किसी भी धातु पर। उस धातु को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद उस धातु के अंदर जितनी भी कमी है या बुराई है या अशुद्धियां हैं, उन सभी को गर्म करने पर उनकी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग नॉर्मलाइजिंग या निर्मलीकरण कहते हैं। मतलब इसमें क्या है, निर्मलता आ जाती है धातु के अंदर। यदि धातु के अंदर कोई भी अशुद्धि हो तो वो अशुद्धि दूर हो जाती है। इसका उपयोग सामान्यतः निम्न एवं मध्यम कार्बन इस्पात एवं मिश्र धातु इस्पात के रेशों को सुधारने के लिए तथा धातु के अंदर आंतरिक प्रतिबलों को कम करने के लिए, साथ ही भौतिक गुणों को प्राप्त करने के लिए निर्मलीकरण प्रक्रिया की जाती है। निर्मलीकरण ऊष्मा उपचार का एक प्रोसेस है। मतलब क्या है कि जैसे हम किसी उपचार करते हैं, इलाज करते हैं, तो ये इलाज क्या है, किसी भी धातु को गर्म करने पर उसके अंदर की बुराइयों को दूर किया जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग करते क्या है, इसके अंतर्गत किसी भी इस्पात को उसके क्रांतिक तापमान से अधिक गर्म किया जाता है। मतलब किसी भी जो इस्पात है उसका जो क्रांतिक तापमान कितना होता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर यदि हम धातु को गर्म करते हैं और उसी धातु को कमरे के तापमान पर ही ठंडा किया जाता है। मतलब हमें इसको धातु को ठंडा करने के लिए किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसी धातु को उसी भट्टी वाले कमरे में ही ठंडा किया जाता है, जिससे उस धातु के अंदर कुछ विशेष गुण उत्पन्न हो जाते हैं। वो विशेष गुण कौन से हैं? पहला गुण है कि धातु के रेशों के साइज में सुधार हो जाता है। सेकंड, निम्न कार्बन इस्पात की मशीनन योग्यता बढ़ जाती है। मतलब यदि हम उस धातु पर मशीनिंग प्रक्रिया करनी है, काटना है या ग्रूविंग करनी या नर्लिंग करनी है, तो वो जो मशीनीय गुण उसमें धातु के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही मध्यम कार्बन इस्पात की सामर्थ्य को भी बढ़ा सकते हैं, आंतरिक प्रतिबलों को कम कर सकते हैं, वेल्डिंग जोड़ों द्वारा बनी संरचनाओं के गुणों को सुधार कर सकते हैं, कुछ यांत्रिक तथा वैद्युत गुणों को भी उत्पन्न कर सकते हैं। किसके द्वारा, नॉर्मलाइजिंग या निर्मलीकरण प्रक्रिया के द्वारा। सामान्यतः सभी प्रकार की इस्पात एवं ढलज मतलब कास्टिंग प्रोसेस में रोलिंग इत्यादि के द्वारा कणों में कुछ डिफॉर्मेशन आ जाता है। मतलब यदि हम किसी धातु की ढलाई करते हैं या रोलिंग करते हैं तो उनके कणों के बीच में कुछ डिफॉर्मेशन आ जाता है तथा उनमें आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। इसी आंतरिक प्रतिबल के दोष को दूर करने के लिए निर्मलीकरण प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। निर्मलीकरण से इस्पात तथा कास्टिंग के कणों के साइज में सुधार होता है, तनाव सामर्थ्य
तथा तन्यता आदि गुणों में भी सुधार हो जाता है। निर्मलीकरण एक सस्ती प्रक्रिया है जिसमें कास्टिंग तथा फोर्जिंग के लिए अधिक उपयुक्त है। इसका उपयोग सामान्यतः निम्न तथा मध्यम कार्बन इस्पात के खंडों पर किया जाता है, विशेषकर उच्च प्रतिबल खंडों पर यह क्रिया अधिक प्रभावशाली होती है। तो आशा करते हैं कि आपको निर्मलीकरण प्रक्रिया आसान और सरल भाषा में समझ में आई होगी। इस प्रक्रिया में क्या है, धातु को गर्म करके उसका उपचार किया जाता है। उपचार तो आप समझते हैं, इलाज करना। जैसे यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसका इलाज किया जाता है, उसकी जो बीमारियां होती हैं, जो कमियां होती हैं, उसको दूर करते हैं और कोई व्यक्ति सही हो जाता है। इसी प्रकार धातु को गर्म करने के बाद उसके अंदर जो भी बुराइयां हैं या कमी है उनको हम लोग दूर करते हैं। तो यही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, निर्मलीकरण। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक आसान और सरल भाषा में समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे क्या है कि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिले, आपको भी बेनिफिट मिले और आपके साथ वालों को भी बेनिफिट मिले। तो आशा करते हैं कि आपको काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आया होगा और कुछ वीडियो इसी की रेंज में चलेंगे, आपके हार्डनिंग और आपके टेम्परिंग या डिफरेंट टाइप के जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं उनके बारे में हम लोग टाइम टू टाइम वीडियो बनाते रहेंगे और आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।